ऐसा मंदिर जो 7 दिन पहले ही दे देता है बारिश होने की सूचना। जानिए इस मंदिर के बारे में। कहते हैं कि विश्व में भारत की अपनी एक अलग पहचान है, हो भी क्यों नहीं। यहाँ का खान पान, रहन सहन, भाषा, संस्कृति सबसे अलग और बेहतर है। हमारा देश एक ऐसा देश है जो आश्चर्य से भरा हुआ है। इस क्रम में हम आपको आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको लेकर आम जनता में ये मान्यता है कि ये मंदिर 7 दिन पहले ही बारिश की सूचना दे देता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जो कि अपनी इसी अनोखी विशेषता के कारण प्रसिद्ध है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह मंदिर बारिश होने की सूचना 7 दिन पहले ही दे देता है। आप शायद यकीन न करें, पर यह हकीकत है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। यह मंदिर कानपुर जनपद के भीतर गांव विकास खंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर पर बेहटा गांव में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की खासियत यह है कि बरसात से 7 दिन पहले इसकी छत से बारिश की कुछ बूंदें अपने आप ही टपकने लगती हैं। हालांकि इस रहस्य को जानने के लिए कई बार प्रयास हो चुके हैं, पर तमाम सर्वेक्षणों के बाद भी मंदिर के निर्माण तथा रहस्य का सही समय पुरातत्व वैज्ञानिक पता नहीं लगा सके। बस इतना ही पता लग पाया कि मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 11वीं सदी में हुआ था। उसके पहले कब और कितने जीर्णोद्धार हुए या इसका निर्माण किसने कराया जैसी जानकारियां आज भी अबूझ पहेली बनी हुई हैं। लेकिन बारिश की जानकारी पहले से लग जाने से किसानों को जरूर सहायता मिलती है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ और बहन सुभद्रा की काले चिकने पत्थर की मूर्तियां स्थापित हैं। वहीं सूर्य और पद्मनाभम भगवान की भी मूर्तियां हैं। मंदिर की दीवारें 14 फीट मोटी हैं। वर्तमान में मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है। मंदिर से वैसी ही रथ यात्रा निकलती है जैसी पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से निकलती है। मौसमी बारिश के समय मानसून आने के 1 सप्ताह पूर्व ही मंदिर के गर्भगृह के छत में लगे मानसूनी पत्थर से उसी घनत्वाकार की बूंदें टपकने लगती हैं जिस तरह की बरसात होने वाली होती है। जैसे ही बारिश शुरू होती है वैसे ही पत्थर सूख जाता है। मंदिर के पुजारी दिनेश शुक्ल ने बताया कि कई बार पुरातत्व विभाग और IIT के वैज्ञानिक आए और जांच की, न तो मंदिर के वास्तविक निर्माण का समय जान पाए और न ही बारिश से पहले पानी टपकने की पहेली सुलझा पाए हैं। हालांकि मंदिर का आकार बौद्ध मठ जैसा है, जिसके कारण कुछ लोगों की मान्यता है कि इसको सम्राट अशोक ने बनवाया होगा, परंतु मंदिर के बाहर बने मोर और चक्र की आकृति से कुछ लोग इसको सम्राट हर्षवर्धन से जोड़कर देखते हैं।